नमस्कार, मैं राघव जैन। कवर स्टोरी में बात होगी आज भारत और पाकिस्तान के रिश्ते की। पाकिस्तान ने भारत से चीनी और कपाल के आयात पर 2 साल पहले जो प्रतिबंध लगाए थे वह फिर से शुरू होने वाले। जी हां, प्रतिबंध को हटा दिया गया है। आपको बता दें कि यह फैसला पाकिस्तान की शीर्ष संस्था ECC की एक बैठक में लिया गया। संस्था ने पाकिस्तान में निजी क्षेत्र की कंपनियों को भारत से 5 लाख टन सफेद चीनी आयात करने की इजाजत दे दी है। पाकिस्तान में चीन के दाम आसमान छू रहे हैं और देश की उम्मीद है कि इस कदम से दामों पर काबू पाने में मदद मिलेगी। इस फैसले की घोषणा ECC की बैठक के बाद वित्त मंत्री हमाद अजहर ने की है। उन्होंने साथ ही यह भी बताया है कि पाकिस्तान भारत से कपास और सूत का आयात भी करेगी। अजहर ने इस्लामाबाद में एक समाचार वार्ता में कहा, अगर किसी देश से व्यापार खोलने से आम आदमी की जेब पर पड़ने वाला बोझ अगर कम होता है तो इसमें कोई नुकसान नहीं। उन्होंने कहा कि हमारे पड़ोसी देश भारत में चीनी के दाम पाकिस्तान से बेहद ही कम है। पाकिस्तान निजी कंपनियों के लिए चीनी व्यापार को 30 जून तक खुला रखे जाएगा। कपास के आयात की इजाजत निजी कंपनियों के अलावा सरकारी संस्थानों को भी दी गई है। भारत ने अभी तक पाकिस्तान के निर्णय पर कोई भी टिप्पणी नहीं की है। पाकिस्तान 2019 तक भारतीय कपास के अग्रणी खरीददारों में से एक था, लेकिन फिर भारत द्वारा कश्मीर से विशेष राज्य का दर्जा खत्म करने के बाद पाकिस्तान ने भारत सभी आयातों पर बैन लगा दिया। 5 डीलरों ने बताया कि पाकिस्तान खरीददारों ने भारतीय चीनी और कपास खरीदे के बारे में पूछताछ शुरू भी कर दी है। भारत में दोनों उत्पाद दूसरे देशों में कम दामों पर मिल रहे हैं। भारत दुनिया में कपास का सबसे बड़ा उत्पादक है और चीनी का दूसरे सबसे बड़ा। पाकिस्तान में निर्यात करने से भारत से स्थानीय बाजारों में पड़े अतिरिक्त माल का बोझ कम हो जाएगा और पाकिस्तान को रमजान के पहले चीनी के दामों में कमी करने में मदद मिलेगी। पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से चीनी खरीदने की कोशिश करता रहा है। आपको बता दें कि अगर पाकिस्तान भारत से चीनी खरीदता है और कपास खरीदता है तो सबसे बड़ा जो है उनको एक खर्चा है वो बचेगा, जिस वजह से उनको जो है दाम और कम मिलेंगे, क्योंकि पाकिस्तान में इस समय महंगाई जो है बहुत कहते तो ऊपरले स्तर पर है। और ये भारत के व्यापारियों के लिए भी अच्छी बात है, अगर ये हो जाता है तो जो अतिरिक्त माल पड़ा है उनका वो बिकेगा। अगर व्यापार बढ़ता है तो यह भारत के लिए भी अच्छा है और पाकिस्तान के लिए भी अच्छा है। खबरों के लिए आप हमारे साथ बने रहें और देखते रहें आज शाम प्लस।